आपने थूका कैसे? तो आपको कोई नियम नहीं मानने हैं, आप कंपाउंडर हैं, ना आपको मास्क लगाना है, मास्क ना रोकना है गाड़ी नहीं, रोकना सर, स्लो करना आपको। और आप ऐसी गली में थूक के चलेंगे? नहीं नहीं ऐसा खाया ना आपने पानी या कुछ? पास है क्या गाड़ी? बॉन्ड गवर्नमेंट में ऑफिस साहब के साथ जाता हूँ। कौन साहब? दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडिया नंबर वन इमर्जिंग स्कूल, जहां है एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू 9th। देखिए कोरोना लॉकडाउन के दौरान अजमेर एसपी इस वक्त जो कुंवर राष्ट्रदीप सिंह हैं वो लगातार अपने दफ्तर से बाहर निकलकर सड़कों के ऊपर इस वक्त राउंड कर रहे हैं। जगह जगह जो थाना है, थाना क्षेत्र हैं, वहाँ का दौरा कर रहे हैं, अचानक निरीक्षण के ऊपर जा रहे हैं, जिससे एक तो उनके जो पूरा स्टाफ है, उनकी जो पुलिस फोर्स है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस बना रहे, किसी प्रकार से कोई लापरवाही कोताही कहीं भी नहीं बरती जाए, इसलिए अचानक निरीक्षण कर रहे हैं। और उसके साथ साथ जिस इलाके के अंदर, जिस भी क्षेत्र के अंदर जो थाना क्षेत्र हैं, वहाँ पर अगर कहीं भी लापरवाही दिखाई दे रही है तो खुद इस वक्त मॉनिटरिंग कर रहे हैं ग्राउंड पर जाकर। और उसी के मद्देनज़र लगातार शहर के कई इलाकों के अंदर एसपी खुद मौके पर जा रहे हैं, दो दो तीन तीन घंटे तक खुद हर थाना क्षेत्र के बाहर, चौकी के बाहर खड़े होकर प्रॉपर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और उसी के तहत आज हमने देखा है कि सीएमएचओ दफ्तर के कर्मचारी अपने आप को बता रहे थे, जो युवक वो सड़क पर गाड़ी से, कार से जब जा रहे थे तो सड़क पर थूकते हुए जा रहे थे, और उनको एसपी ने रोका टोका और उसके साथ उनको समझाया कि इस तरीके से कोरोना महामारी के दौरान इतनी भारी लापरवाही, थूकने जैसी लापरवाही, मास्क उन्होंने लगा नहीं रखा था। इस पर एसपी ने सख्त चेतावनी उनको दी और उसके साथ साथ अपने अधिकारी से बात करने के लिए भी स्पष्ट तौर पर निर्देशित किया। यहाँ पर देखने में ये आया है कि कुछ इलाके लगातार ऐसे थे जहाँ से डायरेक्ट सोशल मीडिया के ऊपर एसपी को टैग, एसपी अजमेर के जो आईडी है, फेसबुक आईडी, उसके ऊपर और ट्विटर के ऊपर टैग कर जानकारी दी जा रही थी कि लगातार कुछ इलाकों के अंदर, कुछ गलियों के अंदर लोग बाहर निकल रहे हैं लॉकडाउन के दौरान, जो सेल्फ डिस्टेंसिंग है उसकी पालना नहीं कर रहे हैं, लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा निकल रही है। तो उन इलाकों के अंदर देखा जा रहा है कि एसपी खुद इस वक्त मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उन इलाकों में निरीक्षण कर रहे हैं। और उसी दौरान पुलिस के जो आला अधिकारी हैं उनको निर्देशित किया है कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, जो भी लोग फिजूल इस वक्त सड़कों पर निकल रहे हैं उनकी गाड़ियों को तुरंत प्रभाव से सीज किया जाए। वहीं एक तस्वीर और देखने को मिल रही है शहर के अंदर कि कई लोग जिन्होंने अपने वाहन के लिए किसी ना किसी काम के लिए पास लिए हैं, उन पासों का भी दुरुपयोग हो रहा है। उन दुरुपयोग के चलते एसपी ने अब तुरंत कार्रवाई करना शुरू कर दी है, कई पास को निरस्त करने की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। सर ये तो देखिए रूटीन कार्रवाई है जो मैं हर रोज़ ही बाहर निकल के हमारे साथियों के साथ कर रहा हूँ। वही रूटीन चेक है कि आखिर लॉकडाउन की कितनी पालना हो रही है किसी क्षेत्र में, और जो लोग निकल रहे हैं उनको हम देख रहे हैं कि वो किस किस कारणों से निकल सकते हैं। अधिकतर पासधारी लोग हैं जो निकल रहे हैं, और हम मौके पर कुछ पास निरस्त भी कर रहे हैं, ऐसे पास जो कि हमें लग रहा है कि वो गलत तरीके से यूज़ हो रहे हैं उन्हें हम निरस्त भी कर रहे हैं। बाकी तो सब व्यवस्था ठीक है, लॉकडाउन ठीक चल रहा है। ठीक।